नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। इंसान जब अपनी आत्मा से वार्तालाप प्रारंभ कर लेता है तो एक भावना जन्म लेती है, सेवा की भावना। भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु द्वारा प्रकट किए गए इस संसार की सेवा, इस संसार में बने समाज की सेवा सरबत दा भला ट्रस्ट द्वारा की जा रही मानव सेवा से पूरा उत्तर भारत सराबोर है। सरबत दा भला ट्रस्ट के मुख्य निर्देशक प्रोफेसर डॉक्टर एसपी सिंह ओब्राय हैं। आप दुबई के जाने माने उद्योगपति होने के साथ साथ विश्व विख्यात लोक परोपकारी जनहितेशी मनुष्य हैं। सरबत दा भला ट्रस्ट आंतरिक वित्तीय संस्था है। ओब्राय साहब अपने कारोबार से अर्जित धन संपत्ति से ही मानव जाति की सेवा करते हैं। आपने 1993 में एपेक्स ग्रुप की नींव रखी, तब से लेकर अब तक आपकी कंपनी अपने काम और बाकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक विश्वसनीय नाम है। आपका पूरा नाम सुरेंद्र पाल सिंह ओब्राय है। आपका जन्म 13 अप्रैल 1956 नंगल टाउनशिप पंजाब में हुआ। आपके पिता सरदार प्रीतम सिंह व माता जी सरदारनी अमृत कौर जी ने अपने पुत्र सुरेंद्र पाल सिंह को बचपन से ही गुरबाणी के साथ जोड़ दी, जिस कारण मानव सेवा की भावना आपके हृदय में बचपन से ही घर कर गई थी। आपके पिताजी सरदार प्रीतम सिंह जी विश्व प्रसिद्ध भाखड़ा डैम में यांत्रिक इंजीनियर के तौर पर तैनात थे। आपके दादाजी सरदार हरनाम सिंह ओब्राय तथा आपके परदादाजी तेजा सिंह ओब्राय पुष्ट दर पुष्ट गुरु ग्रंथ साहिब जी द्वारा निर्देशित मार्ग के राहगीर रहे हैं। मानव कल्याण और धर्म सेवा में आपका परिवार हमेशा ही कार्यरत रहा है। एसपी सिंह ओब्राय की शिक्षा नंगल से प्रारंभ होकर आपने अपनी मैट्रिक परीक्षा सरकारी स्कूल तलवाड़ा से प्राप्त की। उसके पश्चात आपने तलवाड़ा आईटीआई में दाखिला लिया। उसके बाद आपने यांत्रिक स्नातक की पढ़ाई पूरी कर सन 1975 में पंडो डैम में बतौर डीजल कारीगर की पहली नौकरी मासिक वेतन मात्र 392 रुपए में शुरू की थी। साल भर पश्चात आप सलाल डैम चले गए। 1977 में वाहेगुरु के आशीर्वाद से आपको और बड़ा काम करने के लिए डीजल कारीगर के तौर पर 4 साल के लिए दुबई जाने का मौका मिला। दुबई से भारत लौटकर आपने पंजाब स्थित तलवाड़ा मुकेरिया में हाइड्रल प्रोजेक्ट सप्लाई का काम लिया। बढ़ते व्यापार में साथ साथ ढिलवा पुल, नहरें, सड़कें, सीवरेज और पुल बनवाए। उसके पश्चात आपने ब्यास से गोविंदवाल तक नई रेल लाइन का कार्य पूरा किया। एसपी सिंह ओब्राय जी ने सन 1981 में पटियाला वासी इंदर कौर जी से शादी कर ली थी। शादी के कुछ समय बाद आपने मंडी गोविंदगढ़ में हॉट मिक्स प्लांट लगवाया। आपके घर 2 पुत्र सनी ओब्राय, बोनी ओब्राय ने जन्म लिया। सन 1993 में दुबई में आपने एपेक्स ग्रुप की जो शुरुआत की वह आज तक निरंतर कार्यरत है, सफलता के नए झंडे गाड़ रही है। इसके अलावा आपने दुबई में ग्रैंड होटल का निर्माण किया। इस बीच सन 2010 में दुबई में 17 बंदियों को छुड़ाने के लिए आपने भारत सरकार के साथ मिलकर प्रयास किया और उसमें सफल भी हुए। आखिर उन बंदियों को फरवरी 2013 में छुड़वा लिया गया। अब तक अलग अलग देशों के 78 नागरिकों को फांसी और उम्र कैद से मुक्त करवाया। वो दिन और आज का दिन सरदार एसपी सिंह ओब्राय जी ने अनुभव किया, वाहेगुरु जी ने इतना कुछ दिया है, इसे अभावग्रस्त लोगों में बांटना चाहिए, निर्धनों की सहायता करनी चाहिए, तो जन्म होता है 24 अगस्त 2012 सरबत दा भला ट्रस्ट का, जिसके लिए सरदार एसपी सिंह ओब्राय ने कोई चंदा व दान नहीं लिया। एसपी सिंह ओब्राय जी को व्यापार में जो बचत होती है उसकी 98% राशि से मानव जाति की सेवा में खर्च की जाती है।
आज सरबत का भला ट्रस्ट मानव कल्याण के लिए अनेक कार्य कर रही है। सनी ओबराय आवास योजना के अंतर्गत आप गरीब लोगों को नए मकान बनवा कर दे रहे हैं, पुराने मकान ठीक करवा कर दे रहे हैं, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए लोगों के घर दोबारा बनवा कर दे रहे हैं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओल्ड एज होम, मुफ्त स्कूल, हॉस्टल, बेसहारा मानसिक रूप से मंद बुद्धि बच्चों और मूक बधिर बच्चों के लिए मुफ्त स्कूल हॉस्टल भी चला रहे हैं। पंजाब व हरियाणा के कारागारा को असल में सुधार गृह बनाने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। वहां पर बंद बंदियों के लिए साफ पानी का प्रबंध करने के लिए आरओ सिस्टम लगवाए हैं। विभिन्न जेलों में आपने पुस्तकालय बनवाए हैं। बंदियों को शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर केंद्र, सिलाई केंद्र स्थापित किए गए। बंदियों के बच्चों के लिए क्रेच खोले गए। शिक्षा में गरीब बच्चों की सहायता के लिए आपने पंजाब की जेलों, जनतक स्थानों, सरकारी स्कूलों, अस्पतालों में साफ पानी पीने की उपलब्धता प्रदान करने के लिए आरओ लगवा रहे हैं। अब तक 1150 स्कूलों में पढ़ते 11 लाख बच्चों को साफ पानी मिलना शुरू हो गया है। अगले 3 सालों में पंजाब के सभी स्कूलों में आरओ लगवा दिए जाएंगे। स्कूलों में पढ़ते 26 लाख बच्चों को साफ पानी मिलना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद बच्चों में पनपती बहुत सी बीमारियां जन्म ही नहीं ले पाएंगे। गुरबाणी संगीत से बच्चों को जोड़ने के लिए आप मुफ्त डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन भी करवा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ते बच्चों में 94% से ज्यादा अंक अर्जित करने वाले बच्चों को गोद ले लेते हैं, ताकि वह बच्चे अपने सपनों को पूरा करने के लिए अग्रसर हो पाए। लड़कियों को कंप्यूटर सिखलाई, सिलाई कढ़ाई की सिखलाई के लिए पूरे पंजाब, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर में हिमाचल प्रदेश के साथ साथ हजूर साहब विभिन्न केंद्र स्थापित किए गए हैं। स्कूलों में पढ़ने के लिए कमरे सुलभ शौचालय बनवा कर दे रहे हैं। लड़कियों को सुंदरता केंद्र चलाने की सिखलाई भी दी जा रही है। खेलों और सांस्कृतिक कार्यों को विशेष तौर पर उत्साहित किया जा रहा है। खेलों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए एसपी सिंह ओबराय सिख मार्शल आर्ट खेल को प्रोत्साहित कर रहे हैं। पंजाब सरकार द्वारा सिख मार्शल आर्ट खेल को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में मान्यता मिल गई है। ट्रस्ट द्वारा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, देश भगत यूनिवर्सिटी, खालसा कॉलेज श्री अमृतसर इस खेल के डिप्लोमे को बिना किसी शुल्क करवा रहे हैं। विदेशों में भी गतका फेडरेशन को स्थापित किया जा रहा है। आप एसपी सिंह ओबराय गतका एसोसिएशन के एशिया स्तर के निर्देशक हैं। इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी स्तर पर इस खेल के मुकाबले भी करवाए जाते हैं। वैसे तो ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे सभी कार्य समाज कल्याण हेतु है, फिर भी कुछ ऐसे काम हैं जिनको हमारा समाज बहुत बड़ा मानता है। सरदार एसपी सिंह ओबराय के निर्देशन में सरबत दा भला ट्रस्ट द्वारा गरीब हिंदू और सिख बच्चियों के सामूहिक शादियां इस्लामिक बच्चियों के निकाह करवाए जाते हैं। विधवा औरतों, जरूरतमंद लोगों और अपंग व्यक्तियों को सरबत दा भला ट्रस्ट की तरफ से हर माह पेंशन दी जाती है। गरीब अपंग लोगों को तिपहिया साइकिल, व्हील कुर्सी, नकली अंक लगवा कर दिए जाते हैं। चिकित्सक सहायता में भी सरबत दा भला ट्रस्ट भारत में सेवा के लिए अग्रसर। कैंसर, थैलेसीमिया, गठिया और कई गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मदद की जाती है। आँखों के इलाज के लिए मुफ्त कैंप लगवाए जाते हैं। आँखों के ऑपरेशन भी मुफ्त करवाए जाते हैं। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस की मशीनें मुफ्त लगवा कर दी गई हैं। अब गरीब लोग उन मशीनों पे 500 से 700 रुपए में डायलिसिस करवा रहे हैं। 2500 रुपए से लेके 3000 रुपए तक का खर्चा आ रहा था। ट्रस्ट द्वारा काला पीलिया रोको अभियान चलाया गया है। ट्रस्ट द्वारा अबहोर फाजिलका में विभिन्न डॉक्टरों की सहायता से सर्वे करवाया गया, जो वहां के गरीब लोगों के लगातार टेस्ट कर रहे हैं और उनका इलाज कर रहे हैं। अबोर फाजिलका क्षेत्र में 14 एकड़ जमीन पर 1000 MR बच्चों के लिए
स्कूल 350 बच्चों के लिए, हॉस्टल 200 अध्यापकों के लिए, अकोमोडेशन, जर्नल हॉस्पिटल, आई हॉस्पिटल, डायलिसिस सेंटर का निर्माण शुरू हो चुका है, जहां निशुल्क इलाज किया जाए। सरदार एसपी सिंह ओब्राय सभी बताए गए कामों में खुद दिलचस्पी लेते हैं और दूर दराज घूम घूम कर लोगों की सेवा कर भगवान के आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। वह और अमीरों की तरह सेवा के नाम पर सिर्फ चेक पर अपने हस्ताक्षर करने तक सीमित नहीं है। उनकी इसी सेवा भावना को नमन करते हुए देश और विदेश में अनेकों सम्मान उन्हें मिल चुके हैं। आपको पंजाब सरकार की तरफ से 2011 में स्टेट अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। आपको पंजाब विधानसभा में सम्मानित किया गया। आपको पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की सलाहकार समिति का नियुक्त किया गया। को बाबा फरीद ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट ने आपकी निस्वार्थ सेवा के बदले सीनेटर नियुक्त कर सम्मानित किया। आपको जिनेवा में हुई शिक्षा, विज्ञान, सांस्कृतिक और शांति पर हुई 7वीं विश्व वैज्ञानिक कांग्रेस के मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित। आपको UNO जिनेवा की मौलिक अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की अरारात अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी द्वारा चुना गया। यह किसी भारतीय द्वारा UNO में की गई बहुत बड़ी प्राप्ति है। आपको 2013 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन में अंतर्राष्ट्रीय सिख फर्म द्वारा सिख ऑफ ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको मॉस्को रशियन फेडरेशन द्वारा सेवा की प्रोफेसरशिप के सम्मान से नवाजा गया। इसके बाद अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी द्वारा आपको मानव सेवा में दुनिया की सबसे पहली ऑनररी कौसा ग्रैंड PhD डिग्री से सम्मानित किया गया। फ्रांस में 2015 में आपको मानव सेवा के लिए आपके द्वारा किए गए कार्यों के चलते सुनहरी पदक देके सम्मानित किया गया। यूरोपियन कंट्री प्रिंसिपल्टी ऑफ सबर्गा ने डॉक्टर एसपी सिंह ओब्राय को काउंसल जर्नल इन इंडिया का पदक देकर नियुक्त किया। इसके अलावा देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और शिक्षा संस्थानों द्वारा सरदार सुरेंद्र पाल सिंह ओब्राय को 700 से ज्यादा सम्मान दिए जा चुके हैं, पर इसके बावजूद एसपी सिंह ओब्राय लोगों की सेवा करने से थकते नहीं। वो कहते हैं कि सेवा करके जहां उनको मानसिक शांति की प्राप्ति होती है, उसके साथ ही सेवा करके उन्हें प्रकृति से और ज्यादा शारीरिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वह अपने लक्ष्य की ओर गुरबाणी के संदेश को लेकर आगे बढ़ रहे हैं।